नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज की इस सीरीज में आज जो हम अपने सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी आप देखेंगे तो मैं लास्ट कई दिनों से इकोनॉमी पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। उसका सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इकोनॉमी में कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनके आसपास कमीशन आपसे खेलने की कोशिश करता है। अगर इनसे पहले के टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो मैं इन्फ्लेशन पे बात कर चुका हूँ, मनी पे बात कर चुका हूँ, नेशनल इनकम पे बात कर चुका हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे बात कर चुका हूँ, और इसी के साथ ही साथ में अब अगर मैं बात करूँ तो मैं फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इनकम, मनी एंड इन्फ्लेशन और टैक्सेशन, इन चार या पांच टॉपिक्स पे मैं आपसे बात कर चुका हूँ। और आज हम जो देखने वाले हैं कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और खासकर उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक, उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि खासकर एग्जाम में कुछ ही चीज़ें पूछी जाती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें या तो वह संगठन पूछा जाता है, संगठन के कार्य तो आपसे कभी नहीं पूछे जाते, बट उनका हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे ये पूछ लिया जाता है, और इससे अगर ज़्यादा पूछा तो प्रेजेंट टाइम पे उसका चेयरपर्सन कौन है ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो इसी के आसपास आप देखते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो आपसे पूछने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उस रिपोर्ट को एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो नहीं इससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप इन एमसीक्यूज में अपने और भी टॉपिक्स को एड ऑन कर सकते हैं, और अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए जहाँ पे आप इनकी पॉइंट्स को नोट करें उसके नीचे आप उन्हें भी नोट कर लीजिए। ठीक है, सो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि IMF का मुख्यालय स्थित है। ठीक, IMF का मुख्यालय स्थित है। मैं थोड़ा एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक, आपसे पूछता है कि IMF का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है आपका मनीला, जकार्ता, वाशिंगटन DC और जेनेवा। ठीक, देखिए हम इन तीनों ऑप्शंस पे तो एक बार नज़र डाल ही लेंगे, प्लस इसके साथ ही हम सबसे पहले ये देख लेते हैं एक बार IMF को कि IMF क्या चीज़ है। ठीक है, IMF मैं दो मिनट के साथ आपको बात करूंगा। ऑप्शन अगर मैं सीधा आपको बताना चाहूँ तो इसका ऑप्शन है C। ठीक है, IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। लेकिन एक चीज़ आपको और भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा IMF से, क्योंकि IMF अभी रिसेंटली में अपने आप में चर्चे में है, और चर्चे का सबसे बड़ा रीज़न है कि IMF में का जो बास्केट है उस बास्केट की करेंसी, अगर मैं IMF की करेंसी की बात करूँ तो IMF की करेंसी है SDR। ठीक, SDR में अगर मैं बात करूँ तो जो डॉलर है, हमें यहीं से आपको एक बार स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, SDR की मैं बात करूं तो IMF की जो करेंसी है ये है SDR, और 1969 में SDR को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर मैं बात करूं SDR की तो SDR में पांच प्रकार की मुद्राओं को रखा गया है। उन पांच प्रकार की मुद्राओं में है डॉलर, यूरो, एन, पाउंड और रेन मेनवी। और इसी को आप बोलते हैं युआन। ठीक, अभी क्या हुआ है कि SDR में क्या होता है कि IMF में हर एक देश का वोटिंग राइट होता है। देखिए, IMF में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और फैक्ट मैं आपके साथ अगर ऐड करना चाहूं, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होता है 1994 में, तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अगर मैं बात करूं तो 1945 में अमेरिका में ब्रिटेन हुड एक सम्मेलन किया जाता है। ब्रिटेन हुड सम्मेलन में दो संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, पहला था आपका IMF और दूसरा था आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक, इन दोनों का निर्माण कब किया जाता है, 1945 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि इनका जो हेडक्वार्टर था वाशिंगटन DC में है। ठीक, अगर मैं बात करूं इनके मेंबर्स की तो प्रेजेंट टाइम पे 190 मेंबर हैं, और इनका जो नवीनतम मेंबर है वो अंडोरा है। ठीक, ये इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ में अगर बात करूं वाशिंगटन डीसी की, तो वाशिंगटन डीसी में ही आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है। और अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी करता है वो आईएमएफ जारी करता है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक, ये रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करता है, तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में मैं बात करूं एसडीआर की, तो एसडीआर इसकी करेंसी है, और इन दोनों के वोटिंग राइट को बढ़ावा दिया गया है एक तरीके से। मतलब अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो आईएमएफ क्या है, एक थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आईएमएफ का गठन किया गया, और गठन करने के लिए मान लीजिए हम मान के चले कि हम पांच लोग थे, हम पांचों लोगों ने कहा कि एक बैंक का निर्माण करना है, हम पांचों ने कहा ठीक है, उसकी जो हम वित्तीय पूंजी रखेंगे मान लीजिए कि 1,000 रुपये रखेंगे, और 1,000 रुपये में हमने कहा ठीक है मेरे पास 200 रुपये है, मैं 200 दे रहा हूँ, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 250, किसी ने कहा 300 रुपये, तो ऐसे करके एक बैंक का निर्माण कर दिया गया, और जिसने जितना पैसा जमा किया था उस पैसे के आधार पर उसे उतनी वोटिंग राइट दे दी गई। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि अभी जो इंडिया की वोटिंग राइट है, इंडिया की 2.75% ये वोटिंग राइट है आईएमएफ में इंडिया की। ठीक, एसडीआर क्या है, एसडीआर आईएमएफ की एक करेंसी है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं मनीला की, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये मनीला में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी हेडक्वार्टर आप देखते हैं। और अगर मैं मनीला की बात, जकार्ता की बात करूं तो जकार्ता की इंडोनेशिया, और इसी के साथ में मैं जेनेवा की बात करूं तो जेनेवा में आप देखते हैं, जेनेवा में तो हर एक का मुख्यालय है, ठीक है। इसी के मैं बात करूं मनीला, तो मनीला में आप देखते हैं कि एडीबी का मुख्यालय भी मनीला में है। इवन मैं जेनेवा की बात करूं तो जेनेवा का भी मुख्यालय आप देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक, ये रहा आईएमएफ से रिलेटेड। आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हम और भी अपने नॉलेज को एड ऑन करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक, आपका है डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं मासुतुंगु आसकावा, डेविड मॉलपॉस, क्रिस्टियानिला जार्जीवा और नांकोजी ओकाजी इवेला। ठीक, बेसिकली ये चारों नाम आपकी इर्द गिर्द देखे जाते हैं, पता नहीं क्या है कि इन्हीं चारों को ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, और भी संस्थान हैं और भी संगठन हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि ये चारों हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आईएमएफ की, तो जो आईएमएफ के हेड हैं वो इस समय हैं जार्जीवा साहब। ठीक, अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ का है ओंकाजी इवेला मैम है। इसी के साथ ही मैं अगर डेविड मॉलपॉस की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं इस समय डेविड मॉलपॉस साहब हैं। और इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आसकावा साहब की, तो एडीबी के हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, एडीबी और डेविड मॉलपॉस वर्ल्ड बैंक। तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, देखिए एडीबी का मैं बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक को मैंने आपको बता दिया, इन दोनों बैंक को ट्विन सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इसी के इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या है। आईएमएफ जहां आपके बाह्य व्यापार को करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप किसी एक से देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं और उनका भुगतान संतुलन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या आपके पास सफिशियंट कैश नहीं होता है, तो उस व्यापार संतुलन को या उस व्यापार को करने की जो सुविधा प्रोवाइड करती है वो आईएमएफ देखता है। और वर्ल्ड बैंक का एक बेसिक सा कार्य है कि वर्ल्ड बैंक बाह्य ऋण देने की अपेक्षा वो आंतरिक ऋण पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब वो आपको अगर ऋण भी प्रोवाइड करेगा तो आपकी सामाजिक आर्थिक घरेलू विकास के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप में किसी शिक्षा पे खर्च करना है, आपके अस्पताल का खर्च करना है, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना है, हो सकता है कि कहीं बहुत बड़ा आपका
पार्क डेवलप करना, या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पार्क स्टेबल करनी है, तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो भी खर्च करने के लिए पैसे प्रोवाइड करता है वो वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। अगर IMF की बात करूँ तो एक्सटर्नल, और वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो इंटरनल। ये बेसिक डिफरेंस है। इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन है डी। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की पूर्व संस्था थी GATT, गैट। इसका जो मतलब स्थापना किया गया था 1947 में किया गया। बाद में आप देखेंगे कि इसका नाम परिवर्तन किया गया, और नाम परिवर्तन करने के बाद में वर्ल्ड बैंक रखा गया, सॉरी WTO, हाँ वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन रखा गया, और इसकी स्थापना 1995 में किया गया। ठीक, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं एक बार, 1946। ठीक, ये चीजें रखा गया। WTO बेसिकली काम क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन बेसिकली दो काम करता है, करते तो बहुत सारे काम है, बट दो काम मुख्यतः करता है कि यह विश्व स्तर पे अगर आप खाद्यान्न का आयात निर्यात करते हैं तो उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, और यह विश्व व्यापार में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्य देशों में एक संतुलन स्थापित करने के लिए भी नियंत्रण का कार्य करता है कि कोई अगर विकास देश है तो उन्हें भी उतनी ही सहूलियत प्रदान की जाए जितनी कि गरीब देशों को किया जाए। ठीक, इन चीजों को नियंत्रित करने का काम विश्व व्यापार संगठन करता है। सीधा सा मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, किसी भी एक देश को ज्यादा फायदा ना हो और ना ही किसी गरीब देश के साथ अन्याय होने पर। ठीक, मतलब गरीब को भी उतना फायदा या उतना ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जितना कि विकसित देशों को दिया जा रहा है। ये इसका बेसिक काम है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि ADB के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ADB की स्थापना 1966 में किया गया। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मनीला में है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, और इसका अध्यक्ष जापानी को चुना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं साइड होता हूं। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ADB के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए, ADB का बेसिक काम है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये ग्लोबल चीजों को देखने का काम करते हैं। वही ADB का इसके शब्द सही क्लियर होता है कि ये आसियान देश, यानी मीन जो एशिया पैसिफिक रीजन के देश हैं, उन देशों में विकास के लिए जो फंड प्रोवाइड करने का काम करता है वो ADB करता है। ठीक, ADB की मैं बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मनीला में है। देखिए, इससे तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, बट ये रिलेवेंट ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर आपसे हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है। ठीक, अगर मैं वही बात करूं इसके सदस्य देशों में, तो भारत इसके सदस्य देशों में से एक है। सदस्य देशों का मतलब यह होता है कि जब इसकी स्थापना की जा रही थी तो भारत भी उन सदस्यों में से एक था जो कि इसकी स्थापना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं अध्यक्ष की, तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अध्यक्ष जो होता है वो किसी जापानी को ही चुना जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मैंने आपको बताया अस्कावा साहब को ADB का अभी चीफ बनाया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका डी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मैं जो कुछ संगठन करा रहा हूँ ये एज अ मॉडल पेपर है। ठीक, बहुत से हो सकते, देखिए मैं यहाँ पे सारे आपको नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कवर नहीं करना है। कवर करने का एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक चार्ट बनाना है, चार्ट में सिर्फ आपको संगठन लिखना है, बगल में उनके सन लिखना है, और सन के जस्ट बगल में आपको उनका हेडक्वार्टर लिखना है, और अगर पॉसिबल हो तो साथ ही साथ में आप कोशिश करिए कि प्रेजेंट टाइम पे कितने मेंबर हैं, ये आप कोशिश करिए, और अगर करंट में देखा जाए तो उनका अभी रिसेंटली में किसकी नियुक्ति की गई है। अगर कंटिन्यू पुराना है तो बहुत मैटर नहीं करता, बट अगर आपके एग्जाम से पहले किसी के हेड को चेंज किया गया है, आई मीन किसी के चेयरपर्सन को चेंज किया गया, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है। तो हर एक टॉपिक पे, यानी हर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन पे सिर्फ आपको 3 से 4 ही पॉइंट देखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आसियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, इसका गठन बैंकॉक घोषणा के द्वारा, मैं इसको सर्किल करता हूं,
क्योंकि ये ह्यूमन एरर है कि हम नहीं को कंसिडर नहीं करते हैं और हम गलत कर देते हैं। ठीक, इसका गठन बैंकॉक घोषणा द्वारा 1967 में किया गया। सदस्य संख्या की संख्या जो है, मतलब सदस्य देशों की जो उसमें संख्या है वो 10 तथा इनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 1996 में भारत पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त है और इसका जो केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है, इसको आप हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर मैं आसियान देशों की बात करूं तो आसियान देशों में जो कि आपके एशिया पैसिफिक रीजन के कुछ द्वीप हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये संगठन है। बेसिकली ये मुक्त व्यापार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, आई मीन ए फ्री ट्रेड एक दूसरे के साथ करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आसियान में वो सारे देश नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा आयातक में माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो भारत का, तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत इन 10 देशों से ज़्यादा आयात निर्यातक है। ठीक, तो अगर ये 10 देश भारत के साथ अगर फ्री ट्रेड करते, जाहिर सी बात है कि भारत को उसका लाभ होगा। इसीलिए भारत उनका सदस्य नहीं है, हालांकि पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक वार्ताकार है लेकिन सदस्य नहीं है। इनका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो जकार्ता में है, और अगर मैं इनके गठन की बात करूं तो 1967 में किया गया, और अगर मैं इनके सदस्य देशों की संख्या की बात करूं तो वो 10 है, और इनका मैं मुख्यालय की बात करूं तो ब्रुसेल्स नहीं है। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार रफ करता हूं। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, राजधानी का मतलब किसका हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का। ठीक, यूरोपियन यूनियन के अगर मैं मेंबर की बात करूं तो पहले 28 मेंबर थे ब्रेक्सिट से पहले, प्रेजेंट टाइम पे मैं बात करूं तो 27 है, और अगर मैं बात करूं तो यहां की करेंसी यूरो है। ठीक, मतलब ये सारे देश जो अपना ट्रेड करते हैं वो यूरो के माध्यम से करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, और एक खास बात है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, ये खासकर कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य है, कितने सदस्य हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है 8, 10, 9 या 27। ठीक, देखिए अगर मैं 27 की बात करूं तो मैंने पहले ही बताया ये आपका यूरोपियन यूनियन का है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपसे। ठीक, अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 मैंने आपको बताया कि ये आसियान के हैं। ठीक, अभी मैं बात करूं सीएसओ की, तो सीएसओ में पहले मैं बात करूं तो सीएसओ में पहले 5 मेंबर थे। अगर मैं बात करूं सीएसओ की तो सीएसओ में पहले 5 मेंबर थे, बाद में 8 मेंबर हुए, और प्रेजेंट टाइम पे अभी 9 मेंबर हैं, और जो आपका 9वां मेंबर है वो ईरान है। ठीक, देखिए सीएसओ के बारे में भी सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे कितना भी जाए, बट सीएसओ के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1996 में इसे संघाई 5 के नाम से जाना गया, फिर जब इसके 9वां मेंबर शामिल हुआ ईरान, तो ईरान के बाद में इसमें 9 मेंबर हुए, और एक सबसे खास बात है कि ईरान के साथ में भारत भी सीएसओ का एक मेंबर है। इसमें जब ईरान की अगर मैं बात करूं सीएसओ की स्थापना की, तो 2001 में आप देखते हैं, तो 2001 में अगर आप सीएसओ के फाउंड की बात करेंगे तो 2001 आपको मिलता है, क्योंकि 2001 से पहले अगर आप देखेंगे तो संघाई 5 आपको मिलता है। ठीक, इसी के साथ में मैं बात करूं इसके समिट की, तो इसका जो समिट है वो उज्बेकिस्तान में हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। इतनी ही चीज़ें आपको सीएसओ में देखनी है। ठीक, सॉरी एससीओ में देखनी है, सीएसओ नहीं, एससीओ में देखनी है। अगर मैंने सीएसओ आपको बोला है, ठीक, बेसिकली पहले ये इन्फ्लेशन की गणना करता था सीएसओ, प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एनएसओ करता है। अगर मैं वही बात करूं 2019 की, तो सीएसओ और एनएसएसओ को विलय कर दिया गया, किसमें, एनएसओ में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने सीएसओ बोला इसलिए मैंने इसको भी डिस्क्लोज किया है। ठीक, प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो ऑप्शन है 9, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि एससीओ के बारे में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, इनका हेडक्वार्टर, इनका सदस्य और सदस्यों की संख्या। ठीक, इन चीजों को आप फोकस करिए, इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मेरा उद्देश्य सिर्फ एज अ मॉडल पेपर आपको देना था। ठीक,
इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं सारा एमसीक्यूज करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सारे एमसीक्यूज को रख सकता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि इन इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन कवर होगा। पहला, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा, स्थापना वर्ष। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो सदस्य देश। सदस्य देश का मतलब कितने देश हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं चौथा तो चेयरपर्सन। ठीक, सिर्फ यही चार चीजें देखनी है, इसके सिवा अगर आप कुछ देखते हैं तो आपके लिए नॉन रिलेवेंट होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन के माध्यम से आप तक नई चीज़ें डिलीवर हुई होंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको बेहतर गाइड प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, सो इकोनॉमी, इससे पहले कि अगर सेशंस को आपने नहीं देखे हैं तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। और अगर इकोनॉमी के साथ ही मैं आपसे बात करूँ तो जो हमारा अभी सेशन चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ ही में हिस्ट्री और इकोनॉमी, इन तीनों के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप परीक्षा प्लस के अगर मैं बात करूं चैनल पे आप विजिट करेंगे वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।